गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th में जो मैट्रिक्स चैप्टर है हमारा, उसमें हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स पे हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तब स्कूल में भी हम लोग पढ़ा था कि बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कौन कौन से होता है, ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कौन कौन से होते हैं। यस, यू आर करेक्ट। प्लस माइनस, दैट मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये फोर जो है ये हमारे बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स के केस की। ठीक है, तो हमारे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे सारे ही कर सकते हैं, पर मेनली हमें किन किन पे फोकस ज्यादा करना है यहां पे क्लास 12th में उसको देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड है हमारा आपका सब्ट्रैक्शन या डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एन स्केलर। किसी एक नंबर से यदि किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो वो कैसे करते हैं वो देखना है। फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यदि दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना है तब क्या करना है। इससे बात समझिए, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय स्केलर, कोई एक नंबर है, सिंगल नंबर है, उससे किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, यहां पे दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लाई कराना, ये इसका मतलब है। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आइए तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग फर्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है, कोई दो मैट्रिसेस है, कोई टू मैट्रिसेस है हमारे पास, और तीसरी मैट्रिक्स जो हमें उसको ऐड करके आएगी वो कैसे आती है, वो जो टू मैट्रिक्स हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हम लोग ऐड कर देते हैं, और हमारी जो थर्ड मैट्रिक्स है जो दोनों को ऐड करके आ रही वो हमारी आ जाती है। मींस क्या, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे A11 है वहां दूसरा मैट्रिक्स B11 होगा, A11 प्लस B11 देखेंगे डिटेल में हम लोग। ठीक है, इन जनरल बात करें हम तो एक ए मैट्रिक्स है जिसके की एलिमेंट्स AIG आपको पता भी है कि कोई भी मैट्रिक्स होती है डिनोट करते हैं उसे कैपिटल लेटर से हमेशा, और जो उसके एलिमेंट होते हैं उसे हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ए है AIG, एक मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स जो ऐड होगी वो है बी, उसके एलिमेंट है BIJ। आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का हमारा जो है ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर की क्या इंपॉर्टेंस है एडिशन सब्ट्रैक्शन में बात करेंगे हम लोग बाद में। ठीक है, सेम ऑर्डर, ऑर्डर मान लिया हमने दोनों का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, सेम ऑर्डर है तो एम क्रॉस एन मान लिया दोनों का हो गया। देन द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, तो फिर जो उसका सम होगा ए और बी मैट्रिक्स का वो कैसे डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा सी। ठीक है, सी के एलिमेंट क्या है, सी आई जे, ये भी ऑर्डर क्या है, ऑर्डर फिर से सेम ऑर्डर एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन, सी आई जे क्या है हमारा ए आई जे प्लस बी आई जे, मतलब ए के एलिमेंट और जो बी के एलिमेंट है वो दोनों जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनका एडिशन हो जाता है। ठीक है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं आई और जे की वो सब। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, इफ ए इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 एक मैट्रिक्स आ रही हमारी है 2x3, ये डायमेंशन होंगे इसके, ए ऑर्डर होगा 2x3। फिर एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, इसके एलिमेंट रहेंगे बी, बी एलिमेंट रहेगा B11, B12, B13, B21, B22, B23, ये हमारे इसके एलिमेंट हो गए। हमें निकालना क्या है A प्लस B, हमें निकालना क्या है A प्लस बी, तो उसमें मैंने क्या बताया इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब A11 है, A11 है, इसमें करस्पॉन्डिंग कौन सा है B11 है, A12 है, इसमें करस्पॉन्डिंग कौन सा है B12 है, राइट, वैसे A13 है, B13 है, इनका क्या होगा हमारा सिंपल एडिशन हो जाएगा, ये जाएगा A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A13 प्लस B13
A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, ये इसका एडिशन होता है, ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐड कर दिए, हमने इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दिए। ऑर्डर क्या होगा देखिए, इसका एक रो ये है, एक रो ये, दो रो है, एक दो तीन कॉलम है, यानी कि जो ऑर्डर इसका था और जो ऑर्डर इसका था वही ऑर्डर इसका भी होगा। ठीक है जी, इतनी बात सही है। अब यहां पे पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है एडिशन में, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, जो दो मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं दा, ठीक है, जो दो मैट्रिसेस हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ये 2x3 है तो ये भी 2x3 हो, यदि ये भी 3x3 है तो ये भी 3x3 हो, यदि ये 3x2 है तो ये भी 3x2 हो, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो टू मैट्रिसेस हैव टू बी द सेम ऑर्डर, ठीक है, सेम ऑर्डर होना कंपलसरी जरूरी है यदि आपको ऐड करना है। ठीक है, ठीक है जी, क्या है ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है वो बातें कौन सी है। पहली सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात क्या है, वो बात ये है कि ऑर्डर हमेशा दोनों मैट्रिसेस का, या दो से ज्यादा भी मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर ए प्लस बी हमारा नॉट डिफाइंड होगा, हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, हम उसे ऐड नहीं कर पाएंगे। कब कब ऐड नहीं होगा ए प्लस बी, जब उनका ऑर्डर सेम नहीं है। तीसरी चीज कौन सी ध्यान रखनी है आपके लिए, कि हम लोग जब उस ऐड करते हैं तो हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनको ऐड करते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक एडिशन, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, यदि मैट्रिक्स एक ए है, फिर ध्यान रखना मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, उसके जो एलिमेंट है या एंट्रीज है उनको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो हमारी एक मैट्रिक्स है ए, इसके स्मॉल इसके एलिमेंट्स हो गए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, मैट्रिक मैंने पहले ही बताया कि एडिशन के लिए हमेशा ऑर्डर हमारा सेम होने, द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर से, इसमें मान लिया ऑर्डर जो है एम क्रॉस एन है, देन क्या होता है, एक्चुअली हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो ये शो करती है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, आइए नाउ इसको आपको भी देख लेते हैं, हर चीज इसको देख लेते हैं, बाकी सारे नहीं देखेंगे डिटेल में हम लोग। ए मैट्रिक्स है, ए के एलिमेंट क्या है ए आई जे, और बी के एलिमेंट क्या है बी आई जे, दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट जब ऐड होंगी तो उनके क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, यही तो है एडिशन की डेफिनेशन, ये जाएगा ए आई जे या फिर ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको सकता हूं मैं बी आई जे प्लस ए आई जे, ऐसा मैंने क्या क्यों लिखा, कैसे लिख दिया, अभी क्या हमारे ने ऐड कर लिया, हमारे क्या नंबर है ये, तो क्या होता है, क्या हो गए हमारे नंबर हो गए, और एडिशन ऑफ नंबर होता है वो हमारा कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब कि वो ए प्लस बी या बी प्लस से कॉम्यूटेटिव होता है, जब ये होता है तो हम लोगों ने इसके एलिमेंट क्या होंगे, एलिमेंट ये अलग कर लिए, इसके एलिमेंट ये अलग कर लिए, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है बी है, ये मैट्रिक्स कौन सी है ए है, ये हमारा ये आ जाता है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट यदि डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाए, इन शॉर्ट हमारा यही है, स्पेलिंग लिख दीजिए और ए प्लस बी और बी प्लस ए लिख दीजिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये सफिशियंट है। ठीक है, चाहो तो आप करो वरना ये सफिशियंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ASSOCIATIV प्रॉपर्टी या लॉ। ठीक है, एस
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी या लॉ। अब इसमें क्या होता है, कोई भी हमारी थ्री मैट्रिसेस हैं फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस फॉर थ्री मैट्रिसेस माना ए है इसके एलिमेंट है ए आई जे, सेकंड माना बी है इसके एलिमेंट है बी आई जे एंड थर्ड मैट्रिक्स है सी इसके एलिमेंट है सी आई जे, ठीक है, आर ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ द एडिशन के लिए सेम ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ने बोल दिया सेम एन क्रॉस एन। तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, ए प्लस बी प्लस सी, हमने मान लिया इसको ये है और ये इक्वल होती है ए प्लस बी प्लस सी, ये इसके इक्वल होती है, ये हमारी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप चाहे तो शॉर्ट में सिर्फ इतना ही लिख सकते, ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और डिटेल में देखना चाहे तो फिर से वही काम करना है, इसके एलिमेंट देखें, इसके एलिमेंट देखें, इसके एलिमेंट लिखें, ठीक है ना, एलिमेंट को ऐड करें फिर शो करें स्केच करना है, ठीक है, वैसे यहीं तक ही आपका सफिशिएंट है, ठीक है। आइए थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है कैंसिलेशन लॉ देख लेते हैं, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ हमारे टू टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट कैंसिलेशन, एक होता है राइट कैंसिलेशन, ठीक है, अरे देखते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन इसमें क्या होता है, इसमें लिखा ए प्लस बी और लिखा ए प्लस सी, तो लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिल हो गया, यहां पे ये लेफ्ट है, यहां ये लेफ्ट है, तो ए कैंसिल हो गया, ये क्या है हमारा b इक्वल टू सी, जब लेफ्ट वाले टर्म जो है आपस में कैंसिल होगी, इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, ये बचता क्या हमारा b इक्वल टू सी, वैसे ही राइट कैंसिलेशन लॉ देखते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है, मान लो b प्लस ए सी प्लस ए, ये b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए, ये कहा गया है राइट कैंसिलेशन, जो राइट वाले टर्म्स हैं दोनों सेम हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर देगा तो जाएगा बी इक्वल्स टू सी, तो ये हमारे लेफ्ट कैंसिलेशन एंड राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या फिर प्रॉपर्टी, ये क्या होती है हमारी, इसलिए है कि एक स्केलर नंबर है, ये हो जाता है के ए प्लस के बी, जानते भी हैं वेयर के इज स्केलर, वेयर के इज स्केलर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया हमारा, के एक स्केलर ए प्लस बी, तो ये के एलिमेंट या जो के है स्केलर वो ए के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे के जो स्केलर है वो बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर प्रॉपर्टी देखते हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट पे ही आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डिटेल में ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, आपको चाहे तो आप देख ही सकते हैं। प्रॉपर्टी है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होता है हमारा, हमने मान लिया ए एक मैट्रिक्स है ए आई से, ठीक है, जो हमारी बी एन एन क्रॉस एन ऑर्डर, एन क्रॉस
एन डायमेंशन की मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक मैट्रिक्स और है एंड ओ, आपको बता था ओ डिनोट करते हैं नल मैट्रिक्स को, ठीक है। ओ बी एन जीरो या ओ जो है हमारी जीरो या नल मैट्रिक्स है, तो देन क्या होगा ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, क्या आएगा आपका ए आएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या सकते हैं, जीरो जो है हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। जीरो जो है हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जीरो इज जोड़ रहे हैं तब भी वही आर एस में जोड़ रहे हैं, तो ये जीरो क्या हो गया हमारा एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अब बात करें इन शॉर्ट, तो बस हमारी बात शॉर्ट में यही है, बस ये लाइन लिखते हैं आप और ये जीरो प्लस ओ, ओ प्लस जीरो इक्वल्स टू ओ। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी सिक्स। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। हमने माना फिर से लेट ए जो है हमारी एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, ठीक है, ए हमारी जो है वो मैट्रिक्स है। देन वी हैव अदर मैट्रिक्स एस, देन वी हैव Now, then we have another matrix as minus A. कहा माइनस ए, इसके लिए हो गए हमारे माइनस ये एलिमेंट हो गए, ऑर्डर हमारा एम क्रॉस एन है, यहां भी मान लेते हैं एम क्रॉस एन है, ठीक है। सब्जेक्ट ये क्या होगा ए प्लस माइनस ए, क्या हो जाएगा हमारा ये जीरो, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, एक दूसरी नेगेटिव है मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये जीरो आ गया हमारा, ठीक है। सो क्या हुआ, ये जो माइनस ए है, सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सो माइनस ए इज द, सो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, so minus a is the additive inverse of matrix a, ठीक है। तो किसी matrix को में से यदि उसका additive inverse matrix add की जाए, add कर रहे हैं लेकिन वो inverse में है, यानी minus में है, तो हमेशा sum उसका zero होता है, ठीक है। ये इसकी property हो गई हमारी, ठीक है। next हम देखते हैं subtraction। look अपना second जो operation है वो the first देखा addition of matrices, सेकेंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो यार ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, अगेन फिर से ध्यान रखना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। ऑर्डर जो है उसका एन क्रॉस एन जो है वो सेम होना बहुत जरूरी, सेम नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, डिफाइंड हम नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। देन द डिफरेंस इज ए माइनस बी, देन आप यदि ऑर्डर सेम है तो आप ए माइनस बी आप कर दीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनका डिफरेंस उनको माइनस ब्लो करते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी इसके ए के जो एलिमेंट है, ठीक है, हर एक ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में से ए के हर एक एलिमेंट में से बी का हर एक एलिमेंट माइनस होगा, ठीक है। लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं, लिख लेते हैं यही सिंपल सा, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री, ये हमारे
ए के एलिमेंट से ए आई जे है पूरा ये, बी लेते हैं बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री बी टू वन बी टू टू बी टू थ्री। अब हमें करना है ए माइनस बी, करेक्ट, ए माइनस बी यानी एक में से बी को माइनस कर, बी के नंबर माइनस करना है। तो ये जो एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, ए वन वन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, बी वन वन, तो क्या आएगा ये हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए टू टू रोज है थ्री कॉलम है, यानी ऑर्डर हुआ टू क्रॉस थ्री, एमटी क्रॉस थ्री हुआ, ठीक है। तो अब यह एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, डिफाइंड है, ए माइनस बी, तो ये हो गया ए वन वन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करना है इसमें से, हो गया बी वन वन, ठीक है, ए वन टू सॉरी ए वन टू ए बी वन टू ए वन थ्री बी वन थ्री ए टू वन बी टू वन ए टू टू बी टू टू ए टू थ्री बी टू थ्री, ये भी हमारा टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारा ये डिफाइंड है, ठीक है, ठीक है जी। ऐसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपल एलिमेंट में। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ताकि बात और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। एक एग्जांपल मेरे पास है, मैं उसको बता देता हूं आपके लिए। इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू वन टू थ्री टू थ्री वन, और बी देखिए हमें थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो टू, और जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, फाइंड करना है हमें टू ए माइनस बी, ठीक है। आइए करते हैं, टू ए क्या है हमारा, ये है वन टू थ्री वन, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, टू जो है ए के साथ, ये क्या है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोगों ने कुछ देर पहले प्रॉपर्टी भी लिखी थी एक, ठीक है। तो ये क्या हो, टू ए आपका जो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, टू इंटू वन होगा, टू इंटू टू टू इंटू थ्री होगा, टू इंटू टू टू इंटू थ्री टू इंटू वन, ये टू सबके साथ मल्टीप्लाई, जितने भी एलिमेंट है इतनी मल्टी सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। माइनस बी थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस जीरो जीरो टू, ये जाएगा टू फोर सिक्स टू माइनस थ्री माइनस वन थ्री माइनस वन जीरो टू। तो क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस देखेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, यानी कि टू माइनस थ्री फोर, माइनस ये है और ये माइनस वन, इस बात का ध्यान रखना, माइनस यहां भी है, ठीक है, ये सिक्स माइनस थ्री, या फिर आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें सब, और यहां पर आप इसको प्लस भी कर सकते हैं, यदि अंदर फिर मल्टीप्लाई माइनस आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वरना आप ध्यान रखें, ठीक है। फोर माइनस माइनस वन सिक्स माइनस जीरो टू माइनस टू, राइट, तो ये हुआ आपका माइनस वन फाइव थ्री फाइव सिक्स जीरो, तो ये हमारा टू ए माइनस बी हमारा आ गया, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और आती है, दो टर्म आते हैं हमारा, कन्फॉर्मल मैट्रिक्स और नॉन कन्फॉर्मल मैट्रिक्स, ये क्या होती है, ठीक है, आइए इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कन्फॉर्मल एंड नॉन कन्फॉर्मल मैट्रिक्स क्या होती हैं, कन्फॉर्मल एंड नॉन कन्फॉर्मल थोड़ा देख लेते हैं, ये टर्म्स भी कभी कभी हमें मैट्रिक्स में मिलेंगे, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर देन ओनली देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, दीज मैट्रिसेस इज सेड टू बी कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक। बात करते हैं नॉन कन्फॉर्मेबल की,
इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, सो दीज मैट्रिसेस आर नॉन कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अर्थात क्या मतलब हुआ है सर, क्या बात की हमने, बात यह कि दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, यदि उनका ऑर्डर सेम है, यदि उनका ऑर्डर एम क्रॉस एन जो लिखते हैं वो, यदि उनका ऑर्डर सेम है तो ही हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो उस कंडीशन में यदि इनका ऑर्डर सेम है तो वो मैट्रिक्स हमारी कंफर्मेबल मैट्रिक्स है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है, सेकंड थिंग, नॉन कंफर्मेबल क्या होता है, यदि हमारे कोई मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस हैं जिनका कि ऑर्डर सेम नहीं है, जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम उन मैट्रिसेस के लिए, ठीक है, कि वो नॉन कंफर्मेबल है फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. वो दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम नहीं है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नॉन कंफर्मेबल है, कोई कंफर्म नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन उनका नहीं होगा. यहां कंफर्मेबल है यानी कंफर्म है कि यदि ऑर्डर सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, यहां नॉन कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम नहीं है. तो ये टर्म कहीं कहीं मिल जाती है हम लोगों को. ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ये क्या होता है, मतलब क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हमें किसी स्केलर से कर देनी है. स्केलर वेक्टर आप जानते होंगे, स्केलर सिंपल एक नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन से मैग्नीट्यूड एक वैल्यू होती है. ठीक है, सिंपल एक वैल्यू, एक डिजिट, ठीक है, डिजिट तो नहीं कर सकते लेकिन एक वैल्यू है, कोई नंबर, एनी नंबर. सो इफ ए एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट क्या है, ए आई जे जिनका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, इज ए मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, एंड के इज ए स्केलर, देन के ए, देन के स्केलर और जो मैट्रिक्स है इसका प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये एक अनदर मैट्रिक्स होगी. वो कैसे ऑब्टेंड होगी, कि मैट्रिक्स जो ए है उसके जो भी एलिमेंट है वो सारे हमारे जो के स्केलर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमें हमारी एक नई मैट्रिक्स के ए मिल जाएगी. क्या बात समझ में आई, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है ए आई जे, एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो, के एक स्केलर है, देन के ए, दैट मींस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम स्केलर को उस मैट्रिक्स से, इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ ए. ए जो मैट्रिक्स है उसके जितने भी एलिमेंट है ईच एलिमेंट से हमारा के स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, आइए एग्जाम समझते हैं. इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ये है, और हम के से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन के क्या होगा, के ये आया, ये हमारा सारे एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हो गए, राइट, यही मतलब हुआ, जितने एलिमेंट से मल्टीप्लाई जाएगा. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लाइक एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है, हमें के इंटू ए करना है, तो ये क्या आएगा हमारा के, और ए मैट्रिक्स क्या है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, राइट, तो ये आया के. अब क्या क्या पर डेफिनेशन है कि इस मैट्रिक्स के जो ये ए मैट्रिक्स है, ये इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से ये जो स्केलर है वो मल्टीप्लाई होगा, राइट, हर एलिमेंट से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई हमें, तो के ए वन टू, के ए टू वन, के ए टू टू, हमारी जो मैट्रिक्स आएगी के ए वो हमारी ये हो जाएगी. ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं. ठीक है, बात आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी, राइट, इसको रेज कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये. ठीक है, बस ध्यान रखना है आपके लिए, मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली एक, थ्री रूट फाइव टू माइनस टू वन, थ्री माइनस वन रूट टू और टू, ये मैट्रिक्स ली, हमें फाइंड करना है 3a, 3 हमारा एक स्केलर है, a हमारी एक मैट्रिक्स है, ये आएगा 3, a मैट्रिक्स दे रखी है 3 माइनस टू माइनस वन, फाइव वन,
5, 2, 3, 2, राइट। अब क्या करेंगे हम, हर एलिमेंट के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। सो 3 3 9, मैं सामने लिखता हूं यहां पे, है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। 3 3 9, ये हो गया 6 माइनस 3 ए 3 root 5, ए 3 root 5, 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6। तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। बात बिल्कुल सिंपल से ही, बस हमें आपको जो ये स्केलर दे रखा है इसको हर एलिमेंट से, हमें हर ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय, ईच एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, ठीक है। जो स्केलर नंबर लिया उससे हर एलिमेंट की हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। आइए स्केलर की एक दो जो प्रॉपर्टीज है उनको भी देख लेते हैं यहां से हम लोग। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उनको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय ए स्केलर, ठीक है। तो हम लोग पहले मानते हैं कि हमारी जो मैट्रिसेस हैं वो सेम ऑर्डर की हमारे मैट्रिसेस हैं, ठीक है। टू मैट्रिसेस सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, आइए सिंपल देखते हैं इसको। दो मैट्रिक्स मानी हमने a मानी है जिसके फैक्टर हमारे ए आई जे हैं, एक मैट्रिक्स बी मानी है ए और बी के दोनों के ऑर्डर हमारे सेम है एम क्रॉस एन और एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये तो ये हो जाएगा हमारा के ए प्लस के बी, ठीक है। जो भी हमारे ए के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे जो स्केलर है उसका उसकी मल्टीप्लाई होगी, प्लस जो बी के एलिमेंट्स हैं उनसे हमारी के की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। वैसे ही यदि होता k प्लस एल टू ए जी का होता के ए प्लस एल ए, ठीक है। यहां पे हमने माना कि k और जो l है वो हमारे स्केलर है, राइट। k और l जो दो स्केलर है और ये मैट्रिक्स a है, तो यहां पे हमारा k स्केलर है, k और l a और b मैट्रिक्स है, k और l जो है वो हमारे स्केलर दे रखे हैं हमने, ठीक है। तो यहां पे स्टेप से है, दो स्केलर यदि एड हो रहे हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, और ये ऐसी दो उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये फॉलो करता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग जिसमें इसका यूज आएगा। इफ ए इक्वल्स टू एट जीरो फोर माइनस टू थ्री एंड सिक्स, क्या डायमेंशन है इसके, कितने रो है, 1 2 3 कॉलम 1 2, दैट मीन्स 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है हमें, एंड बी दे रखा है हमें 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, इधर लिखा है, और फाइंड करना है, देन फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करना, जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है वो दे रखा है सच दैट 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b। ये हमें क्वेश्चन एक्सप्रेशन दे रखा है, हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी, x को फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं, सो वी है हमारे पास क्या दे रखा है हमें 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b। तो पहले मुझे जिसको फाइंड करना है उसको मैं एक तरफ करूंगा, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, उसके साथ जो भी हमारे और एलिमेंट्स हैं ये मैट्रिसेस हैं उनको मैं शिफ्ट करता हूं।
तो यहाँ 2a या तो मैं ये प्लस में यहां ले आऊ माइनस में ले आऊ या फिर दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैं 2a को माइनस कर दू। तो मैं करता हूं 2a दोनों साइड से माइनस कर रहा हूं माइनस 2a माइनस 2a ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एडिटिव मैट्रिक्स आ गई ओ ठीक है। तो फिर 2a 2a ये बचा ही हमारा मतलब ये थ्री एक्स ही बचा इतने का, ये आ गया हमारा ये आ गया हमारा। अब हम लोग हमारे पास जो b की वैल्यूज हैं उन सबको फिर डालते हैं। तो x हमारा क्या आ गया 5/3 b माइनस 2/3 a राइट। अब b और a की जो वैल्यू हम बड़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। सो x इक्वल्स टू 5/3 b है आपका 2 - 2 = 4 - 2 - 5 and 1 माइनस 2/3 a कितना है 8 0 4 - 2 3 6। अभी सॉल्व करते हैं इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर 5/3 के अंदर है ना, वही क्या है ये वही स्केलर वाला सिस्टम है। तो ये 5 × 10/3 या 10/3 माइनस 10/3 20/3 10/3 माइनस 25/3 5/3 माइनस ये आया हमारा 16/3 ये 0 8/3 और ये माइनस 4/3 6/3 12/3 ये हमारा आ गया। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ठीक है। माइनस जो आया कैसे क्यों होगा डिफरेंस ऐसे दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये क्या हुआ हमारा कन्फॉर्मेबल या क्या हुआ कन्फॉर्मेबल हुआ डी हमारा कि ये हमारे दोनों के ऑर्डर सेम है तो हम इसे आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ठीक है। तो ये दोनों का हमारा जो डिनोमिनेटर सेम है तो आपका यह है -6/3 यह है -10/3 यह है 20/3 8/3 यानी कि 12/3 8 माइनस हो गया 14/3 ये आपका माइनस हो गया -31/3 ये माइनस हो गया 25 हो गया -7/3 तो ये हमारा जिस 3 4 12 ये हुआ 3 2 6 ये हुआ तो ये आ गया हमारा सिमिलर हमें -2 -10/3 4 14/3 31/3 -7/3 आइए एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। सॉल्व हो गया हमारा आंसर ये आ गया ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हमें फाइंड करना है फाइंड एक्स एंड वाई दे रखा है एक्स प्लस वाई दे रखा है हमें 5 to 09 एंड एक्स माइनस वाई दे रखा है हमें 3 6 0 -1 ठीक है। तो हमें x और y निकालना है तो हम क्या करते हैं हम x प्लस वाई एक्स माइनस वाई को ऐड करते हैं यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई यहां पे ये सिंपल ऐड लेंगे 5 0 ये हो गया 2 9 प्लस 3 6 दोनों ऐड आराम से क्योंकि दोनों का ऑर्डर हमारा सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड लेंगे 5 3 8 8 0 8
और ये हो गया हमारा x प्लस एक्स और ये y माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, ये x प्लस एक्स टू एक्स निकालना है, x है टू यहां आएगा डिवीजन में आएगा, ये ऐसे आएगा 8088 से फर्दर सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा ये 4404 ये हमारा x आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y, y निकालना है तो इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई को माइनस कर लेंगे एक बार, इससे क्या होगा y प्लस में जाएगा x और माइनस x हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा y के टर्म में आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई और अदर टर्म्स 5209 माइनस 360 माइनस 1। तो ये x माइनस x हो गया, चौकोण करते हैं x प्लस वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई, यहां माइनस आएगा 5 माइनस 3 2 2 माइनस 6 माइनस 4 0 माइनस 0 0 9 प्लस 1 10, ये 9 है माइनस माइनस प्लस हो गया ये। ठीक है, ये आंसर क्या है 2y 2 माइनस 4 0 10 y की वैल्यू 1/2 हो गया यहां पे, ये 2 माइनस 4 0 10 हमारा 1 माइनस 2 0 5 ये आ गया हमारा y। ठीक है, तो वो हमारी x की वैल्यू हो गई और ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूं, यस वो था करेक्ट। ठीक है, ओके नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूं। ओके okay.